ओके सो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। गाइस काफी लोग आप में से मतलब वीडियोस को देखते हैं बट यार सब्सक्राइब नहीं करते, यार प्लीज यार नीचे सब्सक्राइब का बटन है यार उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार आप लोगों के लिए रेगुलर अलग अलग कंटेंट आते रहते हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो गाइस आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस जो भी स्टेप मैं बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है तभी आप समझ पाओगे कि आपको एडिट कैसे करना है। तो जब गाइस आप अपने मॉडल को यहाँ पर ऐड करोगे तो गाइस आपको जो अपने मॉडल को वाटर के ऊपर कुछ इस टाइप से खड़ा करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आप साइज़ वगैरह जो अपने हिसाब से रख लेना, एंड साइज़ जो है ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, आप वीडियो में देख लेना मैं कितना साइज़ रख रहा हूँ, आप उसी के हिसाब से रख लेना अपने मॉडल का साइज़, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ एरिया है जो इरेज करने को, मैं उसको इरेज कर लेता हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आगे करना है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है हाइट जो है मेरे को अभी थोड़ी छोटी लग रही है इसमें, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि जो है मतलब कि मॉडल सही लगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल को जो है वाटर में दिखाने के लिए हमें इसके लिए थोड़ा सा जो मॉडल का पैर है उसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, तो हार्डनेस ओपेसिटी कम करेंगे, ऊपर से गाइस हल्का हल्का नीचे की तरफ से ऐसे इरेज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही इरेज करना है दोनों तरफ, ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो इसमें मतलब कि इसमें तो यार मतलब कोई ब्लैक शेडो तो बना नहीं सकते ना, क्योंकि वाटर के ऊपर तो यार कोई ब्लैक कलर तो आएगा नहीं। तो उसके बाद जो गाइस आपका जब मॉडल इस तरीके से लग जाएगा तो आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको जो स्नेक के पीएनजी से सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इनका, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है आपको सिंपली ऐसे लेना है एंड इसको जो आपको इस तरीके से ऐसे ऐड कर देना है अपने अपने पैरों के पास कुछ इस तरीके से। आपको यही सेम स्टेप जो है सारे पीएनजीज के साथ करना है, ठीक है। तो पहले हम इसमें जो शेडो है ये ले लेते हैं एंड उसके बाद हम जाएंगे पोजीशन में। पोजीशन में जाने के बाद जो हम इसका साइज़ कुछ इस तरीके से रख देंगे, ठीक है, 100 कर देंगे पहले। एंड उसके बाद हम एडजस्ट में जाने के बाद जो हम इसके ओपेसिटी यहाँ से जो है ब्लर जो है हम इसका यहाँ पे इतना कम कर देंगे। एंड जो साइड वाला है ये है हमारा ओपेसिटी, ठीक है। तो उसको आप जितना बढ़ाओगे उतना रहेगा, जितना कम करोगे उतना कम रहेगा। तो अभी हम इसको डन करते हैं। अब गाइस देखिए आपको सारी बहुत सारे यहाँ पर पीएनजीज वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इसी टाइप से आपको यहाँ पर पीएनजी ऐड करनी है एंड आपको सभी स्टेप ऐसी सेम जो अभी हमने पहले वाले में किया वैसे ही करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा फटाफट करता हूँ यहाँ पे। बाकी गाइस पीएनजी लगाते वक्त ना गाइस सब कुछ ध्यान रखना है कि किस स्टेप, ठीक है, कोई भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो यार मतलब कि पीएनजी वगैरह जो है वो लगाना मिस मत करना, नहीं तो अगर एक आधा पीएनजी कोई रह जाएगा तो यार मतलब फोटो जो है अधूरी सी रहेगी। तो आप लोग सारे पीएनजी यूज़ करना है एंड सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप सभी से कि अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिए गूगल ड्राइव की, अगर उसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली चले जाना है यहाँ से मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे, और टेलीग्राम वाले चैनल पे आप सभी को वहाँ पे जो है सारे पीएनजीज मिल जाएंगे वहाँ पे भी, ठीक है। आप दोनों में से जहाँ पे आपको इजी लगे मतलब डाउनलोड करने में वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दोनों तरफ मैंने आप सभी को दे रखे हैं पीएनजी, तो आप डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस मैं अभी जो इसके ऊपर काम कर रहा हूँ मतलब अपने गूगल ड्राइव के ऊपर कि यार ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के पास पीएनजी आ रहे हैं किसी के पास नहीं आ रहे हैं, तो गाइस मतलब मेरे को भी यार ऐसा समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे ही सॉल्व हो जाएगा आप लोग मतलब पीएनजीज वहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बाकी गाइस अभी हम इसे फटाफट करते हैं पीएनजी लगा के एंड उसके बाद बताता हूँ आपको आगे क्या करना है।
तो गाइस सब कुछ पीएनजी लगाने के बाद आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है एंड उसके बाद आपको इसको लेके चलना है लाइट रूम ऐप में, फिर इसको रीटच करेंगे वहाँ पे हम अच्छे तरीके से। तो आपको जाना है स्लाइट वाला ऑप्शन में, आपको इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको इंक्रीज करना है, हाईलाइट जो है इसको यहाँ पे कम करना है, जो शेडो है इसको इंक्रीज करना है, जो व्हाइट है इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है, जो ब्लैक है इसको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से चले जाना है कलर्स में, ठीक है। कलर्स में जाने के बाद जो आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो का जो टेम्परेचर है उसको अपने हिसाब से कम कर देना है थोड़ा सा, एंड मिक्स में जाकर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, लूमिनस आपको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है डार्क ब्लू में, आपको जो ह्यू है, ठीक है, ह्यू को जो है आप इसको थोड़ा सा प्लस कर देना है, जो सैचुरेशन इसको भी प्लस कर देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली डन कर देना है, उसके नीचे स्क्रॉल करना है, इस वाले टूल में जाना है, आपको यहाँ पे क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, एंड उसके बाद आप फोटो में विग्नेट अपने फोटो के अकॉर्डिंग डालना है आपको, एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड फिर जाना आपको इस वाले टूल में। इस वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोटिफिकेशन बढ़ा देना है, एंड फोटो में कलर नोटिफिकेशन भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।